कॉरपोरेट्स और किसानों से किए गए दोहरे व्यवहार को लेकर देश का आम किसान बहुत गुस्से में है और सभी ने सोशल मीडिया पर इस बाबत नाराजगी भी जताई। 2-2 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुद्दा है कि आखिर किसान ही कर्जे में आत्महत्या क्यों करता है। पिछले 20 सालों में 3.5 लाख किसान कर्जे से दबके आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि एक भी पूंजीपति ने आज तक आत्महत्या नहीं की है। और आज देश का जो सारा पैसा है वो पूंजीपतियों के ऊपर लौटा दिया गया है। हाल ही में 68,700 करोड़ के कर्जे उनके बट्टे खाते में डाल दिए और ऐसे हर साल डालते डालते आज 17 लाख करोड़ के करीब बट्टा खाता हो गया है, जो पैसा वसूला नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश में किसान के कर्ज के लिए और कानून है और उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कर्ज के लिए और कानून है। उनकी एक फैक्ट्री अगर घाटे में चली जाती है और 10 फैक्ट्रियां मुनाफे में होती है, तो जो घाटे वाली फैक्ट्री होती है उसका पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और जो बाकी फैक्ट्रियां हैं उसकी, वो उनसे अरबपति बन चुका होता है। लेकिन किसान के लिए ये कानून नहीं है जी। ये बताइए कि मौजूदा सरकार तो हमेशा से ये कहती रही है कि उसकी नीति ये है कि वो किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, कर्ज माफी में विश्वास नहीं रखते, क्या कहेंगे? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसान भिखारी नहीं है, किसान ने कमाया है। 1967 में से आज तक अगर फसलों के भाव देखें केवल 25 गुना बढ़े हैं, और अगर कर्मचारियों की तनख्वाह देखें 400 गुना बढ़ी है, अगर व्यापारियों की आमदन देखें 1000 गुना बढ़ी है। अगर 1950 से लेकर आज तक गिनती करें, 1950 में देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 53% से ज़्यादा था, आज केवल 10% रह गया है। यानी देश की 65% आबादी जो है उसके पास केवल 10% आमदन है, और देश के 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 73% प्रॉपर्टी है। तो अगर इनकी आमदन का हिसाब लगा लिया जाए, आज एक किसान की आमदन, कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें एक किसान परिवार की आमदन सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी को जितना कपड़े धोने का भत्ता मिलता है साल का, उससे कम है, कैसे किसान जिंदा रहेगा? तो ये सभी बातें हैं। इन सभी बातों को लेके किसान कर्जा मुक्ति एक अभियान चलाया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे देश के किसान संगठन उस पर लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। जी शुक्रिया चढ़ूनी जी इन बातों को सामने रखने के लिए। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, ऐसा लग रहा है सब किसानों को सुनने के बाद जैसे कि उनका अब सब्र का बांध टूट रहा है। जी अनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया। तो मैं इस आपके माध्यम से इस देश के तमाम किसानों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वेव ऑफ और राइट ऑफ का अंतर क्या है। वेव ऑफ का अर्थ होता है कर्ज मुक्ति, और राइट ऑफ का अंतर मतलब होता है बट्टे खाते में डालना। किसान के संदर्भ में जब बात की जाती है तो कर्ज मुक्ति की बात की जाती है। हम यही कहते हैं कि हमारा कर्ज पूरी तरह मुक्त किया जाए ताकि हमें बैंक को देना ना पड़े, और उद्योगपतियों के लिए ये राइट ऑफ शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन बनाया जा सके कि नहीं इनसे वसूला जाएगा। तो राइट ऑफ का आप अच्छे से समझ लें, राइट ऑफ का अर्थ है बट्टे खाते में डालना। बट्टे खाते में कब डाला जाता है? मान के चलिए किसी उद्योगपतियों ने खूब सारा कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो पूरा हो गया, यानी जमा करने की तिथि आ गई, तो वो तिथि निकलने के 3 माह बाद स्वतः ही बैंक उसका जो खाता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए की लिस्ट में डाल देता है। फिर बैंक क्या करता है, अपनी साख बचाने के लिए बैंक अपनी बैलेंस शीट क्लियर रखने के लिए उसका नाम उस बैलेंस शीट से हटा देता है, यानी उद्योगपति का नाम बैंक की बैलेंस शीट से हट चुका है। अब क्या होगा, अब बैंक उसको राइट ऑफ कर देगा, राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देगा। बट्टे खाता मतलब अब उनसे वसूला जाएगा। यानी भाई साहब, कुल मिला के बात यह हुई कि मान्यवर आपने हमसे बहुत सारा लोन ले लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने आपका बट्टे खाते में डाल दिया है, अब आपकी जब मर्जी हो तब चुका देना, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट से तो हमने उसका नाम हटाई दिया है ताकि आरबीआई और देश दुनिया के सामने हमारे बैंक की साख बढ़िया रहे, तो अब आराम से आप चुकाते रहो। तो अब आप एक बात बताइए, एक चोर उद्योगपति के लिए जिसने करोड़ों का कर्जा लिया हो कितनी बड़ी राहत हो गई कि अब वो जब मर्जी चाहे चुकाता रहे। और अनिका जी, वो चुकाएंगे क्यों? अगर चुकाना ही होता तो ये देश छोड़ छोड़ के भागते क्यों? तो आप बताइए, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है उद्योगपतियों को लाभ देने का कि बस राइट ऑफ का
झंडा बुलंद करके बट्टे खाते का नाम देके इनको राहत दे दी जाती है। अरे अगर बट्टे खाते की राहत देनी है तो देश के तमाम लोगों को दीजिए ना। इस लॉकडाउन में लोग अपने प्रीमियम भर भर के परेशान है, आप देश के लोगों को दीजिए ना कि साहब आपका जब मर्जी हो तब आप आपकी प्रीमियम चुका दीजिए। ये तो देश में नेता राजनेता या केंद्र सरकार राज्य सरकार कभी नहीं करती है। ये राहत उद्योगपतियों को क्यों दी जाती है? तो बट्टे खाते का मतलब ये कतई नहीं है कि उद्योगपति को कोई परेशानी है। उद्योगपति बढ़िया मौज में है, उनको इस बात का लाइसेंस मिल गया है कि अब वो आराम से जब उनकी मर्जियों की चुकाते रहेंगे और कि बैंक की बैलेंस शीट से वो निकल चुका है, अब वो जो धीरे धीरे चुकाएंगे उसको बैंक अपनी इनकम में दिखाता जाएगा। लेकिन वो चुकाएंगे कब? जब पैसा आएगा तब ना। पैसा होता तो एनपीए काहे के लिए होते? तो कुल मिला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उनको राहत दे देती है और अब वो आराम से फिर दोबारा नया लोन लेंगे और नया लोन लेकर नई मौज मस्ती काटेंगे। ये है राइट ऑफ का मतलब। जी गुरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल राज, बहुत बहुत शुक्रिया इन बातचीत को सामने रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।